आइए हम आपको तारुफ कराते हैं अलीगंज निवासी यामीन सिद्दीकी का, जो जनपद फरुखाबाद और मैनपुरी के बॉर्डर पर स्थित तहसील अलीगंज का कस्बा सराय अगस्त निवासी हैं। यामीन सिद्दीकी का कस्बे में फुटवेयर का व्यापार है, यानी सिद्दीकी शुरू से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनकी कार्यशैली और उनकी जन योजनाओं से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। यामीन की दीवानगी योगी आदित्यनाथ के प्रति इतनी बढ़ चली कि योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर योगी को विशेष उपहार देने के लिए अभी पिछले दिनों अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनवा लिया। हालांकि यामीन की मुलाकात अभी तक योगी आदित्यनाथ से नहीं हो पाई है, लेकिन भविष्य में यामीन योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनको टैटू दिखाना चाहते हैं। अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवाने के बाद जब ये बात उनके मुस्लिम दोस्तों को पता चली तो उन्होंने इसकी काफ़ी आलोचना भी की, लेकिन यामीन ने अपने दोस्तों की आलोचना को दरकिनार कर दिया। यामीन की माने तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तभी से उनकी जो योजना है वो सभी गरीबों के लिए एक समान है। योजनाओं में योगी आदित्यनाथ ने कभी किसी में भेद नहीं किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, योजनाएं सभी को लाभ बराबर पहुंचाती हैं। अभी हाल ही में नूपुर शर्मा के बयान पर मुसलमानों में आक्रोश के तहत चल रही पत्थरबाजी और बवाल के बारे में यकीन का साफ मानना है कि योगी आदित्यनाथ अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष से उनको बदनाम करने के लिए पत्थरबाजी और बवाल जैसी साजिशें रची जाती हैं। महेश 23 वर्ष यामीन सिद्दीकी योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं। महज 23 वर्ष के यामीन सिद्दीकी योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं। नाम है आपका? यामीन सिद्दीकी। यामीन, आपने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर टैटू बनवाया है, तो क्या क्या चीज़ प्रभावित की योगी आदित्यनाथ को आपने टैटू बनवाया? देखिए, आज से 2 साल पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बातें कही वो मुझे सारी पसंद आई। और उसके बाद में 5 तारीख को जन्मदिन था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, उसी मौके पर मैं आगरा गया और आगरा मैंने टैटू बनवाया, और इसी के साथ मैंने उनको एक तोहफा छोटा सा देने की कोशिश की है जन्मदिन पर। और यही कहना चाहते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। क्या जो है, आप मुस्लिम समाज के हैं जिस तरह से मोदी और योगी का विरोध रहता है जनरली, तो क्या डर लगा आपको या किसी ने टोका कि आपने मोदी योगी का क्यों टैटू बनवाया? नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है कि हर मुस्लिम समाज में हर कोई विरोध करता हो योगी और जी का और मोदी जी का, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो तो हर कास्ट में होते हैं, है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से कभी मिले हैं, मिलने चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भविष्य में अभी तो योगी आदित्यनाथ जी से नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो भविष्य में श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना भी चाहेंगे और टैटू भी दिखाना चाहेंगे। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए एटा से रविकांत शर्मा की रिपोर्ट।